हर आयोजन में बन्ना गुप्ता को पोसते हैं, अभी वीडियो वायरल हुआ, उसके क्या कहेंगे? देखिए, हमने तो शुरू से कहा है कि इस राज्य में जो भी अन्य राज्यों के लोग आए हैं इस राज्य को के भोग विलास के उद्देश्य से आए हैं, खाना पीना लूटना। और ये कितना मज़ेदार तथ्य है कि जो बन्ना गुप्ता है वो उनका भी संबंध बाहर से, निशिकांत दुबे जिन्होंने इस चीज़ की सबको जानकारी दी, उनका भी संबंध बाहर से। तो कहीं ना कहीं बाहर के लोग इस राज्य को हर तरह से डैमेज करने के लिए ही आए। झारखंड के लोग हमेशा जैसे भी रहे भोले भाले सरल लोग रहे हैं, वे लोग गलत नहीं कर सकते हैं, गलत चीज़ों का साथ नहीं दे सकते हैं। जो आंदोलन रहा है, राज्य सरकार को हमने घेरने का प्रयास किया है, लेकिन राज्यपाल जो होता है वो राज्य केंद्र के अधीन होते हैं और राजभवन से हमारी विधेयक को लगातार वापस किया जा रहा है। तथा हम लोग के जो एजेंडा रहेगा उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही रहेंगे, यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो सांसद और विधायक अब दोनों टारगेट किया जाएंगे। उसी के तहत अब अगली नई रणनीति बनेगी और उसी रणनीति के तहत पूरे राज्य में आगे का आंदोलन किया जाएगा। हर आयोजन में बन्ना गुप्ता को पोसते हैं, अभी वीडियो वायरल हुआ, उसके क्या कहेंगे? देखिए, हमने तो शुरू से कहा है कि इस राज्य में जो भी अन्य राज्यों के लोग आए हैं इस राज्य को के भोग विलास के उद्देश्य से आए हैं, खाना पीना लूटना। तो ये तो हम शुरू से बोले, इनकी नैतिकता हमेशा रही है। झारखंड के लोग हमेशा जैसे भी रहे भोले भाले सरल लोग रहे हैं, वे लोग गलत नहीं कर सकते हैं, गलत चीज़ों का साथ नहीं दे सकते हैं। और ये कितना मज़ेदार तथ्य है कि जो बन्ना गुप्ता है वो उनका भी संबंध बाहर से, निशिकांत दुबे जिन्होंने इस चीज़ की सबको जानकारी दी, उनका भी संबंध बाहर से। तो कहीं ना कहीं बाहर के लोग इस राज्य को हर तरह से डैमेज करने के लिए ही आए। सर, 1932 जो है, आपको क्या लगता है जब तक सेंट्रल में बीजेपी सरकार रहेगी क्या झारखंड में 1932 लागू होने का चांस है? देखिए, मेरा मानना है कि यहाँ पर लोगों की यूनिटी ही सब कुछ तय कर सकती है। बाकी जो राज्य है वहाँ भी, मैंने राज्य में बीजेपी सरकार नहीं है फिर भी मोहर लग जाता है आपका। हाल फिलहाल शायद छत्तीसगढ़ से कोई विधेयक बन गया, हालांकि वो अभी कहाँ तक क्लियर हुआ है उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन वहाँ अगर सहमति इसलिए बन जाती है कि वहाँ जो राज्य की जनता है वो कहीं ना कहीं जागरूक है, वो अपने वोट के महत्व को समझती है, लेकिन झारखंड की जनता जागरूक नहीं होने के कारण हमारे साथ। विधानसभा को आप किस रूप में देखते हैं, आप अपना किस्मत अजमाना चाहेंगे? देखिए, हम लोग अवसरवादी नहीं हैं, अवसर देखकर माने मौका प्रस्त लोग नहीं है कि मौका देखकर हम लोग आएं। जब हम लोग जब भी आएंगे शुद्ध रूप से आएंगे, फ्रेश होकर आएंगे, मूड बना के आएंगे। जयराम माधव का समर्थन डुमरी में कोई विशेष पार्टी को लेकर के रहेगा या फिर कुछ? देखिए, मेरा मानना है कि डुमरी की जनता ही तय करेगी। हम लोग उस दौर में जब डुमरी का जिस समय उपचुनाव होगा, हम लोग बाकी राज्यों में भी बहुत सारा आंदोलन करना है जहाँ राज्य तक हम लोग अपनी विचारधारा को लेकर जाना है, तो डुमरी की जनता ही तय करेगी कि उन्हें क्या करना है। एक अंतिम सवाल है, जहाँ पर आप हैं, चूंकि बार बार सुदेश महतो का जिक्र हो रहा है क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरा स्टेशन के रूप में गांडे जाना जाएगा, संथाल परगना अगर उनको जाना हो दुमका जाएंगे तो उनका स्टेशन एक तरीके से उन्होंने कहा कि मेरा गांडे रहेगा, तो क्या जयराम महतो का ये कार्यक्रम जो है गांडे को लेकर के आने वाले 24 में कोई निशाना है? देखिए, मैंने स्पष्ट कहा है कि हम लोग का उद्देश्य पूरे राज्य में जो एक आइडियोलॉजी सामने आई है, व्यवस्था परिवर्तन या फिर जो लोगों को हम लोग बारीकी से छोटी छोटी महीन चीज़ों को समझा रहे हैं, नीतियों को लेकर, खासकर नीति कि किस प्रकार कोल नीति बाकी राज्यों में है, NCL MCL काम कर रही है और हमारे राज्य में गलत नीतियों के साथ काम करती है, बाकी राज्यों में किस प्रकार की पॉलिसियां हैं, हमारे राज्यों में 60-40 किस प्रकार पॉलिसी है। तो इन नीतियों को लेकर, यानी इस विचारधारा को लेकर हम लोग पूरे राज्य में जाने का कार्य कर रहे हैं। उसी क्रम में गांडे अछूता था तो गांडे के साथ ही हम अंत तक पहुँचे, हमने कहा ठीक है निश्चय ही हम लोग गांडे क्षेत्र में भी आएंगे, तो उसी क्रम में हमारा यहाँ आना हुआ। और जब यहाँ आना हुआ तो हमें जानकारी मिली किसी दल के लोगों का भी कार्यक्रम है, तो थोड़ा सा हम लोग को भी लगा कि जब हम लोग का 2-3 महीना पहले से कार्यक्रम शेड्यूल है तो कहीं ना कहीं उन्हें अन्य समय तलाशना चाहिए था।